हेलो एंड वेलकम टू द BUMS विकी मैड। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन लेके आए हैं यहाँ पर इस चैनल पे। पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप इस चैनल को जहाँ से आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो ये तो पहली बात थी कि आप कर लीजिए। इसके बाद हम अपने जो मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का मेन टॉपिक है वो एक मेडिसिन है जिसका नाम है शरबत-ए-उनाब। शरबत, पहले हम शरबत के बारे में जानते हैं, शरबत क्या होती है, उसके बाद हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देंगे आपको। तो पहली बात, जो शरबत होती है, शरबत एक किस्म का लिक्विड होता है। लिक्विड होती है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन पाई जाती है और वो लिक्विड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन शरबत-ए-उनाब में होती है वो हमें जाननी है। पहले हम देख ले शरबत-ए-उनाब क्यों कहा जा गया है इसको। शरबत ये बनाते कैसे, इसको जो उनाब होता है, एक किस्म का फल होता है, जो खजूर होता है, डेट्स होते हैं, वो वैसे ही होते हैं लेकिन वो थोड़े रेड कलर के होते हैं जो उनाब होते हैं। तो वही फल उसको पीसा जाता है, उसके बाद उसको पानी में डाला जाता है और वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को, उसी को कहते हैं हम शरबत। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है जिनसे वो हम यूजेबल होता है, जिनसे वो हम तक पहुंचता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये मेन थोड़ा टॉपिक था, शरबत किसको कहते हैं, तो ये था। शरबत-ए-उनाब क्यों कहा गया है इसको, शरबत-ए-उनाब इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है उनाब। क्या है? अनाब। इसमें मेन इंग्रेडिएंट, इसलिए इसको शरबत-ए-उनाब कहा गया है। तो शरबत-ए-उनाब हम पहले इसका मिजाज जानते हैं। शरबत-ए-उनाब का, शरबत-ए-उनाब अगर हम देखें इसका मिजाज तो मोतदिल होता है। मोतदिल मतलब बैलेंसड मिजाज होता है इसका, एक बैलेंसड मिजाज होता है। ना ज्यादा इसमें हॉटनेस होती है, ना ज्यादा इसमें कोल्डनेस होती है, एक बैलेंसड मिजाज होता है इसमें। लेकिन अगर हम उनाब जो इसका स्पेसिफिकली उनाब की बात करें, उनाब का मिजाज होता है हार रतब होता है इसका मिजाज, हॉट होता है और मॉइस्ट होता है, हार रतब इसका मिजाज होता है उनाब का। तो आगे बढ़ते हैं, इसको किस किस डिजीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इसकी फंक्शंस जानेंगे, इसकी फंक्शंस क्या होती है इस मेडिसिन की। मेडिसिन की फंक्शन है मुसफ़ी-ए-खून। मुसफ़ी-ए-खून मतलब ब्लड प्यूरीफायर, ब्लड को साफ करने वाली दवाइयां, उनको कहा गया है मुसफ़ी-ए-खून। तो मुसफ़ी-ए-खून है, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी डिजीज़ में। तो वो कौन कौन सी डिजीज है जिसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो ब्लड रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, पिंपल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर है। और दूसरी बात है, अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन को भी इस ये वो ब्लड रिलेटेड ही है क्योंकि वो हमारे ब्लड पे ही अटैक करते हैं वो फंग्स, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्किन पे आ जाती है वो फंगस, अगर हम ये शरबत-ए-उनाब ले ले, इस ये हमारे ब्लड में जाएगी और ब्लड में वो एक्शन करवाएगी जिससे वो जो कि प्यूरीफाई करे ब्लड को, और वो फंगस जो है हमारे शरीर में उसका जो तादाद है वो बढ़ना जाए और उसका जो एफिकेसी है वो हमारे शरीर में ना आ जाए, तो वो इसकी एक फंक्शन है। सोरोसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्जिमा में भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसकी है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया होती है सफरा से रिलेटेड, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाने आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया जो इन्फ्लामेशन होती है हमारे इस पे बुसूर जैसे निकलते हैं रेड रेड टाइप कलर के आर्टिकेरिया में, और वो हम उसमें जो मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करते हैं मोस्टली स्ट्रिजिन या लियोस्ट्रिजिन देते हैं, तो उसे वही इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए वही मेडिसिन दिया जाता है। और उसको डॉक्टर की तरफ से वो सलाह मिलती है कि आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो और आप कुछ दिनों के लिए फ़ायदा उठा सकते हो, उसके बाद ये जो प्रिवेंशन है आपकी वही सबसे बड़ी मेडिसिन है। प्रिवेंशन, आप जो पोल्यूशन से बचो और जिस चीज़ से आपको ये हो रहा है, जो आर्टिकेरिया हो रहा है, तो उस चीज़ से बचो, ये मेडिसिन है उसमें।
लेकिन अगर हम उन्नाव का इस्तेमाल करें कंसिस्टेंटली हम इसका इस्तेमाल करें तो ये हमें अर्टिकेरिया से छुटकारा दिला सकती है, तो एक ऐसी मेडिसिन। लेकिन इसमें एक और एक पॉइंट आ जाता है, अर्टिकेरिया जैसे वो अर्टिकेरिया है वो एक डिजीज है पित्त की वजह से, जैसे सफरा की वजह से वो हो जाता है, सफरा की वजह से हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज जो है हार इसका नाव का, बट इसको ऐसी ऐसी दवा बनाई जाती है कि ये मोतदिल होता है, तो हम उसको अर्टिकेरिया में भी यूज करवा सकते और फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसको कंसिस्टेंटली यूज करना है अर्टिकेरिया जो होता है उसमें। और इसमें और एक फंक्शन ये पाई जाती है, ये सीडियो ट्यूब भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी फंक्शन की बात और इसके इस्तेमाल की जो हम कर सकते हैं। अब चलते हैं इसको इसके डोज के बारे में। इसका डोज जो होता है हम 10-20 ml इसका यूज कर सकते हैं सुबह शाम, इसका 10-20 ml हम यूज कर सकते हैं, और जो एज है उसके हिसाब से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। तो एक छोटा सा वीडियो था और आपसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली, ये सब ऑथेंटिक थी, बुक से ली गई इन्फॉर्मेशन है और आप इसको चेक भी कर सकते हो कहीं से भी, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक थी और आपसे शेयर मैंने की। तो थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो भी एक अच्छे से मेडिसिन पे होगी जो कि आपको फ़ायदा दे। थैंक यू सो मच।